दोस्तों रणबीर और श्रद्धा कपूर की मूवी तू झूठी मैं मक्कार फाइनली थिएटर्स में रिलीज हो चुकी है। सबसे पहली बात, मूवी को रोम कॉम यानी रोमांटिक कॉमेडी मूवी जरूर बुलाया जा रहा है, लेकिन मूवी के अंदर सबसे पहले रोमांस है, फिर ड्रामा और उसके बाद कॉमेडी देखने को मिलती है। दूसरी इम्पोर्टेंट बात, तू झूठी मैं मक्कार को डायरेक्ट किया है लव रंजन ने, जिनकी पुरानी मूवीज प्यार का पंचनामा, प्यार का पंचनामा 2 और सोनू के टीटू की स्वीटी है। अगर आपने इन मूवीज को देखा है तो आपको इजिली आइडिया हो जाएगा तू झूठी मैं मक्कार किस टाइप की मूवी होने वाली है। लेकिन तू झूठी मैं मक्कार मूवी आपको अलग ही मजा देगी, क्यों और कैसे ये आप मूवी देख के जानो, मैं स्पॉइलर नहीं दूंगा। आज का रिव्यू हम करेंगे तू झूठी मैं मक्कार कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव पॉइंट्स के साथ, साथ ही आपको बताऊंगा ये मूवी आपको देखनी चाहिए या नहीं। रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मूवी की थोड़ी स्टोरी जान लेते हैं। तो भाई मूवी में लीड एक्टर मिक्की प्लेड बाय रणबीर कपूर, जिसकी फैमिली मर्सिडीज का शोरूम चलाती है, लेकिन इसके अलावा उसका एक साइड बिजनेस भी होता है, कपल्स के ब्रेकअप करवाना, वो भी इतने प्यार से किसी को पता भी नहीं चलता, और उसे ये काम करना बहुत पसंद है। फिर एक दिन मिक्की की जिंदगी में एक लड़की आती है और उसे हो जाता है सच्चा वाला प्यार। मूवी में ट्विस्ट तब आता है जब मिक्की को खुद का ब्रेकअप करवाने की बारी आती है, और इसी चीज को मूवी में कॉमिक वे में दिखाया है। अब भाई मूवी के कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। पॉजिटिव नंबर 1, मूवी के सारे सॉन्ग्स अरिजीत सिंह ने गाए हैं जो आपके दिल को छू लेंगे और आपकी आंखों को सुकून भी मिल जाएगा। वो एग्जॉटिक लोकेशन, बिकिनी के अंदर श्रद्धा कपूर, शर्टलेस रणबीर, बट हाँ सॉन्ग्स में डांस जबरदस्ती का देखने को मिल सकता है। पॉजिटिव नंबर 2, मूवी के सेकंड हाफ के आते आते लव रंजन को सडनली याद आता है, मैं तो सोनू के टीटू की स्वीटी मूवी का डायरेक्टर हूँ, मुझे तो कॉमेडी डालनी है, स्क्रीन प्ले पे भी ध्यान देना है। इन शॉर्ट मूवी के सेकंड हाफ में आपको कॉमेडी के साथ साथ सब कुछ देखने को मिलेगा। मोस्टली रोमांटिक मूवीज में जो एयरपोर्ट का एंडिंग सीन होता है, उसे डायरेक्टर ने क्या हिलेरियस तरीके से दिखाया है, आपको डेफिनेटली हंसी आने वाली है। पॉजिटिव नंबर 3, मूवी के अंदर प्यार का पंचनामा मूवी का नॉस्टैल्जिक मोमेंट देखने को मिल जाता है, जो ऐसी जबरदस्ती नहीं घुसाया है, मूवी की स्टोरी को आगे तक लेके जाता है। ऐसे कुछ मोमेंट्स मूवी के अंदर क्रिएट करने की कोशिश की है। मूवी के नेगेटिव पॉइंट्स की बात करें तो नेगेटिव नंबर 1, मूवी का फर्स्ट हाफ देखते टाइम मुझे तो सर्कस मूवी की याद आने लगी थी। सब कुछ सेंसलेस दिखाया जा रहा था, ऐसा लग रहा था सब कुछ फोर्सफुली कराया जा रहा है, जो टोटली फेक सा लगता है। बिना किसी लॉजिक के रणबीर प्यार का पंचनामा करने बैठ जाता है और वो डायलॉग्स बहुत चीजी लगते हैं। नेगेटिव नंबर 2, आई थिंक रणबीर कपूर को डायरेक्टर ने स्ट्रिक्टली कहा था आपको अपना कुछ भी ट्राई नहीं करना है, पिछली मूवीज से थोड़ा थोड़ा लेना है और यहाँ पे चेपना है। स्टार्टिंग होती है बचना है हसीनों वाले रणबीर कपूर से, फिर सेकंड हाफ में ये जवानी है दीवानी और ऐ दिल है मुश्किल वाले रणबीर कपूर को दिखाया जाता है, जो दिल टूटा आशिक है। इन शॉर्ट एज पर माई ओपिनियन मूवी में साइड एक्टर्स ने बेटर परफॉर्म किया है एज कम्पेरिजन लीड एक्टर्स। अब बात करते हैं ये मूवी आपको देखनी चाहिए या नहीं, तो मैं बता दूं मूवी की एंडिंग आपको डेफिनेटली पसंद आने वाली है। अगर आपको प्यार का पंचनामा और सोनू की टीटू की स्वीटी जैसी मूवीज देखना पसंद है तो आप इस मूवी को देख सकते हो, क्योंकि तू झूठी मैं मक्कार मूवी में इन मूवीज की झलक देखने को मिल जाती है। मूवी को फैमिली फ्रेंडली नहीं बोलूंगा क्योंकि इसके अंदर किसिंग सीन्स और बिकनी सीन्स देखने को मिल जाते हैं। आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और अगर आप मूवीज देखने का शौक रखते हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।